वो नोटिस मेरे पास है। जी हाँ, तो अभी एनओसी का बात आता। जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कौन से स्टेशन के जो कि बीच में चलाया जाएगा। स्वागत है दोस्तों रेल फैंस आसाम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अबाउट दी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। जी हाँ, तो आप लोग ने शायद टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया है, तो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़। जी हाँ, तो NFR में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में जो कि है वंदे भारत एक्सप्रेस चलने के लिए जा रहा है बहुत जल्द। जी हाँ, तो जो कि नोटिस है तो अभी मेरे हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जो कि नोटिस है रेलवे बोर्ड की तरफ से जो भी नोटिस एक्चुअली रिलीज़ किया गया है तो वो नोटिस मेरे पास है। जी हाँ, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग अच्छे से देखिए, एकदम लास्ट तक इस वीडियो को वॉच कीजिए दोस्तों, ताकि आप लोग को जो कि इन्फॉर्मेशन है तो सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है ये। जी हाँ, और साथ ही इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर। तो सबसे पहले आते हैं ये जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कौन से स्टेशन के जो कि बीच में चलाया जाएगा। तो फ्रॉम हावड़ा से लेके NGP तक, जी हाँ दोस्तों, फ्रॉम हावड़ा से लेके NGP तक ये ट्रेन चलाया जाएगा जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस है NGP से लेके हावड़ा के बीच में। तो जो कि टेंटेटिव टाइमिंग्स वगैरह है, अभी जो कि शेड्यूल है नया शेड्यूल, तो वो शेड्यूल मेरे पास है, अभी आप लोगों को मैं इस वीडियो पर दिखाऊंगा। बट उससे पहले जो कि है मैं आप लोगों को एक नोटिस पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो कि रेलवे बोर्ड की तरफ से जो कि रिलीज़ किया गया था। जी हाँ, तो एक जो कि नोटिस है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन हावड़ा एंड न्यू जलपाईगुड़ी, बोर्ड हैज़ एडवाइज टू इंट्रोड्यूस ए न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस थ्रू टेलीफोनिक डिस्कशन बिटवीन हावड़ा एंड न्यू जलपाईगुड़ी। जो कि ये डिस्कशन हुआ अबाउट दिस वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, तो टेलीफोनिक डिस्कशन के थ्रू एक जो कि है डिस्कशन हुआ अबाउट द वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि हावड़ा और NGP के बीच में चलाया जाएगा। जी हाँ, अभी आता है दोस्तों जो कि बात, ये जो कि प्रपोजल एक्चुअली दिया गया है बाय द रेलवे बोर्ड की तरफ से, तो अभी NOC का बात आता है। जी हाँ, तो NF रेलवे की तरफ से अभी NOC भी मिलना है, तभी जो कि है ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया जा सकेगा। जी हाँ, तो इसमें ये भी लिखा गया है, द प्रपोजल हैज़ बीन एग्जामिन एट दिस एंड टेंटेटिव टाइमिंग्स एंड प्रोग्राम ऑफ दिस ट्रेन मे बी एज अंडर सब्जेक्ट टू NOC फ्रॉम NF रेलवे। तो दोस्तों अभी NF रेलवे से जो कि है NOC मिलने के बाद ही ये वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेट किया जा सकेगा दोस्तों। जी हाँ, बहुत जल्द बिटवीन हावड़ा एंड NGP के बीच में, तो देखते हैं। और ऐसे भी जो कि ये एक्चुअली नोटिस निकल गया है, तो जितना दूर तक लगता है दोस्तों ये वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत जल्द हम लोग को देखने के लिए मिलेगा बिटवीन हावड़ा एंड NGP के बीच में। जी हाँ, तो एक्चुअली टोटल स्टेशन या जो कि ट्रेवल टाइम है आप लोग को अच्छे से मैं इस वीडियो पर भी बोलूँगा। तो हावड़ा टू NGP, आप लोग ध्यान से सुने दोस्तों, हावड़ा टू NGP जो कि डिपार्चर टाइमिंग है फ्रॉम हावड़ा, तो मॉर्निंग 5:50। जी हाँ, हावड़ा से 5:50 में इसका डिपार्चर है फ्रॉम हावड़ा रेलवे स्टेशन से NGP तक, एंड जो कि इसका स्टॉपेजेस होगा बोलपुर एंड मालदा टाउन। जी हाँ, तो बोलपुर में रुकाया जाएगा उसके बाद, और साथ ही मालदा टाउन में रुकाया जाएगा, देन जो कि न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचा दिया जाएगा 13:50। 1:50 में न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचेगा दोपहर को, यानी 1:50 में दोस्तों ये वंदे भारत एक्सप्रेस पहुँच जाएगा एट न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में जो कि है दोस्तों 1 घंटा का हॉल्ट होगा, क्योंकि 14:50 में इसको फिर से रिटर्न जाना होगा टिल हावड़ा तक। जी हाँ, यानी 2:50 में फिर से इसको छोड़ दिया जाएगा फ्रॉम NGP से लेके टिल हावड़ा तक। न्यू जलपाईगुड़ी से 14:50 इसका डिपार्चर टाइमिंग होने वाला है, एंड मालदा टाउन पर जो कि है इसका हावड़ा से आने टाइम में NGP तक, तो मालदा टाउन में इसका टाइमिंग होने वाला है 10:45 में इसको मालदा टाउन पे रुकाया जाएगा, एंड 10:50 पर इसको छोड़ दिया जाएगा फ्रॉम मालदा टाउन से। और उसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा तक जाने टाइम में जो कि है मालदा टाउन पर 17:55 यानी 5:55 में इसको पहुँचा दिया जाएगा मालदा टाउन, एंड 5 मिनट का हॉल्ट होगा, तो 6 बजे इसको छोड़ा जाएगा फ्रॉम मालदा टाउन से लेके हावड़ा तक। तो बोलपुर एंड मालदा टाउन का जैसे कि मैंने बोल लिया, और ये जो कभी डेज ऑफ रन आता है, तो डेज ऑफ रन कितना दिन एक्चुअली चलाया जाएगा, तो दोस्तों हफ्ते में जो कि है 6 दिन चलाया जाएगा, एक दिन सिर्फ नहीं चलाएगा दोस्तों, पूरे हफ्ता में ये चलेगा 6 डेज ए वीक। और साथ ही इसमें लिखा गया है व्यूज ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इज टू बी टेकन, NOC फ्रॉम NFR इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑन दिस इशू। तो जैसे NFR की तरफ से NOC वगैरह मिल जाता है दोस्तों, सब कुछ जो कि ऑफिशियल कार्य वगैरह कंप्लीट हो जाता है, तो तभी जो कि फिर से रेलवे बोर्ड तक ये जो कि भेजा जाएगा, और उसके बाद जो कि मेन एक्चुअली अप्रूवल है, जो कि मेन डिसीजन है कि ये एक्चुअली डेट्स वगैरह निकल जाएगा तब कि वंदे भारत कब से स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ, तो यही है दोस्तों, अभी ऑन स्क्रीन में आप लोग अच्छे से दिखा रहा, आप लोग देख सकते हैं। तो लास्ट में और एक बात लिखा गया, टाइमिंग्स ऑफ वंदे भारत मे बी सेंड टू रेलवे बोर्ड आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम PCOM एंड GM और ER। तो PCOM और GM की तरफ से जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिल जाता है दोस्तों, तो फिर से ये जो कि है रेलवे बोर्ड को सेंड किया जाएगा ये सब चीज़ें,
एंड इस वंदे भारत एक्सप्रेस का जो कि इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग को जानकर कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए एक खुशखबरी है एक्चुअली। तो टोटल अगर ट्रेवल टाइम बोलूँ तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 550 में इसको छोड़ा जाएगा, तो अप्रॉक्स 7 आवर इसको लगेगा। जी हाँ, फ्रॉम हावड़ा से लेकर NGP के बीच में अप्रॉक्स 7 आवर का जर्नी होगा बिटवीन हावड़ा एंड NGP के बीच में। तो दोस्तों, आज की इस अपडेट पर इतना ही इस वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। जैसे ही डेट्स वगैरह निकल जाएगा कि कब से स्टार्ट होने वाला है, अभी जो कि मैंने टाइमिंग्स वगैरह बोला, तो एक टेंटेटिव टाइमिंग प्रोग्राम शेड्यूल जो कि है पेश किया गया है बोर्ड की तरफ से। और जैसे ही जो कि एक्चुअल जो कि फिक्स हो जाएगा डेट्स वगैरह, तो आप लोग को और एक नया वीडियो मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो रेलफेंस आसाम पर बने रहे दोस्तों, और नए अपडेट्स जो कि है न्यू अपडेट्स आ रहे हैं दोस्तों रेलफेंस आसाम पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।